दोस्तों आप गूगल पर, क्रोम ब्राउज़र पर जो भी सर्च करते हैं उसकी हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। दोस्तों अगर आप उस हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं या फिर आप उसको वहां से क्लियर कर देते हैं और आप सोचते हैं कि आपकी जो हिस्ट्री है वो क्लियर हो गई है, आपकी हिस्ट्री को कोई भी नहीं देख सकता, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपकी जितनी भी हिस्ट्री होती है गूगल की, वो सब की सब वहाँ पर सेव होती रहती है, यानी कि गूगल के पास आपका जितना भी डेटा है वो सब का सब वहाँ पर सेव हो जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपनी गूगल की हिस्ट्री को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, यानी कि गूगल के पास भी आपका जो डेटा है वो सेफ नहीं होगा और आप परमानेंटली ही सेफ रहेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपने जीमेल की ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों जीमेल को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ ऊपर कॉर्नर में आ जाना है, यानी कि अपने लोगो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा जीमेल आईडी आप चलाते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो सेलेक्ट आईडी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में आपको गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपके फ़ोन में मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन भी हो सकता है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे, आपको इसको इधर लेफ्ट साइड की तरफ करना है स्क्रॉल, और यहाँ पर डाटा एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर आ जाना है। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में आपके सामने जो ये वाला पेज है वो यहाँ से आ जाएगा। अब दोस्तों ये वाला पेज अगर आपके सामने यहाँ से नहीं आता है, वैसे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता कि नहीं आता है, अगर नहीं भी आता है तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाना है। दोस्तों फ़ोन की सेटिंग्स में आने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर एक गूगल का ऑप्शन से आपको यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर गूगल के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वही सेम पेज आ जाएगा, मैनेज योर गूगल अकाउंट्स पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ डाटा एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है, वही सेम पेज आपके सामने यहाँ पर भी आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आपकी गूगल की हिस्ट्री को परमानेंटली डिलीट करना है गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र या फिर यूट्यूब, तो सब की सब यहाँ से जो परमानेंटली डिलीट हैं वो हो जाती हैं। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए माई एक्टिविटी का एक ऑप्शन से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप देखेंगे जितना भी आपने अभी तक सर्च किया है वो सब यहाँ पर हिस्ट्री के रूप में आ जाता है। देखिए अभी तक जितना भी आपने कुछ सर्च किया होगा वो यहाँ पर सब आ जाएगा। अब दोस्तों आपको इसको डिलीट करने के लिए क्या करना है कि परमानेंटली डिलीट हो जाए, आपको यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से ऑलवेज पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ऑलवेज पर क्लिक करेंगे तो सभी एक साथ डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर सब पर टिक मार्क आ जाएंगे, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये जो आपकी हिस्ट्री है वो यहाँ से परमानेंटली ही डिलीट हो जाएगी, आपको यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देना है। अब जो आपकी यहाँ से हिस्ट्री है वो परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है, अभी यहाँ से जाना नहीं है, आपको यहाँ पर देखिए वेब एंड ऐप एक्टिविटी का एक ऑप्शन से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से इसको टर्न ऑफ कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको टर्न ऑफ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसको यहाँ से टर्न ऑफ करेंगे, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ से YouTube की सर्च हिस्ट्री को अगर आप टर्न ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, आप यहाँ से इसको भी टर्न ऑफ़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर इसको टर्न ऑफ़ का एक ऑप्शन से यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पाउज़ का एक ऑप्शन से आप यहाँ से इसको पाउज़ कर देंगे, गॉट इट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये भी आपकी जो पाउस है वो हो चुकी है, यानी कि जो इसकी हिस्ट्री है अब यहाँ से बनना बंद हो जाएगी, ऑफ हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने जो गूगल की हिस्ट्री है उसको परमानेंटली ही डिलीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। अब दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो काम है वो हो चुका है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।